नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पर। आज हम कोई टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो लेकर के नहीं आए हैं, आज हम मनोज डे का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए और मनोज डे भाई के साथ इंटरव्यू देखिए। तो मनोज डे भाई, मेरा ये पहला शर्त है कि सिर्फ हम ही आपको सवाल पूछेंगे, आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम बोलेंगे आपको स्टॉप, आपको रुक जाना है, ठीक है मनोज भाई। तो मनोज भाई, हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ये पहला सवाल है, आप अपना परिचय दें, आपका नाम क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टॉप। तो मनोज भाई, आप बता दीजिए कि इस तरह का वीडियो लोगों को देखने से उनको क्या असर आने वाला है। इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक और आप लोगों को थोड़ा सा और जुनून आ जाएगा कि मैं भी यूट्यूबर बनूंगा और यूट्यूब पे काम करूंगा। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए एंड तक। चैनल पर अगर आप नए हो तो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मनोज भाई, आप इतना दिन से यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और ऐसे कुछ जो आपके बारे में हम नहीं जानते हैं, क्या आप वो सब सारे जानकारी आप बता सकते हैं? तो चलिए, आप बताइए हम लोगों को कि आपको क्या क्या मिला यूट्यूब से और जो हम लोग को अभी तक पता नहीं है। YouTube से मुझे क्या क्या मिला, तो सबसे अगर प्लस पॉइंट, सबसे नंबर वन चीज की बात करूं तो उसे कहते हैं इज्जत, रिस्पेक्ट और फेम, उसी को कहते हैं। ये चीज जो है, ये सिर्फ आपको एक सोशल मीडिया ही दे सकता है, अदर प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिलेगा, लेकिन एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा जरिया है जहां से आप बहुत सारा फेम कमा सकते हो, रिस्पेक्ट पा सकते हो, इज्जत पा सकते हो, जो कि ये चीज मेरे साथ पहले नहीं था। क्योंकि मैं पहले एक नॉर्मल सा पर्सन था, नॉर्मल सा बंदा था, मुझे रिस्पेक्ट क्यों करेगा? मेरे एज के लड़के अभी जो है ऐसे ही जो है पापा के पैसे से घूम रहे हैं, ऐस मौज कर रहे हैं, तो उनका तो उतना रिस्पेक्ट नहीं है जितना कि मेरा है अभी, जिसे कि आप कह सकते हो कि समाज में। तो ये चीज़ जो मुझे मिला YouTube की तरफ से, बहुत ही अच्छा मिला है। अभी जो है अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ बात करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जान पहचान है, बातें होती है। तो ये सब चीज़ जो है मुझे YouTube से मिला है, जो कि सबसे बड़ा चीज़ है, जो कि कहीं और से मुझे नहीं मिल सकता था। अगर मैं मनोज भाई, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते थे, क्या आपको ये सब सारी चीजें मिल पाती? अगर मैं अभी एक गवर्नमेंट जॉब करता, कहीं पे जॉब करता, तो मुझे कितने लोग पहचानते? ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 400, 500, लेकिन यहाँ पे 520,000 करीब है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने लोग अभी मुझे पहचान रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मनोज भाई, आप इतना दिन से YouTube पे मेहनत कर रहे हैं, आपको अभी तक कुछ मिला है? मतलब आपको पैसे के रूप में कुछ मिला है, या बस फ्री का ही काम कर रहे हैं, इसी तरह से वीडियो अपलोड कर रहे हैं बस? सबसे दूसरा चीज जो मिला वो है पैसा। रिस्पेक्ट के साथ साथ एक चीज मिली है, पैसा। एक टाइम पे मैं अगर आपको कहूँ तो पैसे की किल्लत, जो जिसके कहते हैं गरीबी, वो चीज़ मेरे साथ था, जो कि अभी मेरे पास ऐसा नहीं है। एक टाइम था मेरे पास कि मुझे नेट पे भरवाने का भी पैसा नहीं होता था, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन अभी पैसे की कोई भी कमी नहीं है। अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर लेता हूँ यूट्यूब की तरफ से, और आज जो कुछ भी देख रहे हो आप लोग, मैं जो कुछ भी हूँ वो यूट्यूब के ही पैसे से हूँ। यूट्यूब से पैसे कमाए, तो आपने क्या क्या खरीदे हैं और आपने अभी तक क्या क्या किया है, प्लीज आप लोगों को बताइए। अभी तक मैंने जितना कुछ परचेज किया वो सारा YouTube के पैसे से परचेज किया। AC बोलिए, इतना बड़ा सेटअप बनाया, घर बनाया, बाइक लिया, फोन इतने सारे यूज कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सारा कुछ तो YouTube के ही पैसे से, कैमरा वैमरा सब कुछ YouTube के पैसे से। तो ये चीज मिला। अब मनोज भाई, आप इतने दिन से कैमरे को फेस कर रहे हैं, अगर आपके साथ 10 आदमी आए और आपसे बात करे, तो क्या आपको भीतर से धुक 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 जैसी धड़कना, या किसी तरह से कॉन्फिडेंस लेवल कम होना, इस तरह से कोई समस्या है आपको? तो अगर नहीं है तो आप बता दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल बोलने का, ये चीज़ भी आपको सिर्फ एक सोशल मीडिया ही दे सकता है जहाँ पर आप कैमरा फेस करोगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं उसको, जो कि आप कितना अच्छा बोल पाते हो, किसी को कितना अच्छा से समझा पाते हो। अगर मैं आज से मेरे अगर पहले वीडियोस देखोगे जा करके टेक्निकल मनोज चैनल पर, ठीक है, जो कि मेरा पुराना चैनल था, वहाँ के जा करके वीडियोज आप लोग देखना कभी, और अभी का वीडियो देखना, आपको आकाश जमीन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता था, और ये स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, आप कैमरे के सामने बोल नहीं पाओगे, अजीब सा शर्म आएगा, लगेगा कोई सुन रहा है क्या, कोई देख रहा है क्या, इस तरह से होगा, और आपका दिमाग जो है बोलने में नहीं रहता है, और वहीं दिमाग में आता है कि कोई देख रहा होगा, कोई सुन रहा होगा, आप बोल नहीं पाते हो, हकलाते हो, अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते। तो ये चीज़ जो है मेरा इम्प्रूव हुआ है बहुत ज़्यादा, पहले मैं बोल ही नहीं पाता था अच्छे से,
ठीक है, तो ये चीज़ जो है कम्युनिकेशन स्किल, ये चीज़ यूट्यूब की तरफ से ही मुझे मिला है। अगर मैं बात करूँ मेरे टेक्निकल मोनेज चैनल बंद होने के बाद मैंने ये चैनल ओपन किया, फिर इस चैनल को मैंने ग्रो किया और इस चैनल पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये डे बाई डे भी इम्प्रूव होने के कारण से इतना जल्दी क्विकली सक्सेस कर गया मैं मनोज डे चैनल पर। मनोज डे भाई, जो आपका यूट्यूब चैनल मनोज डे था, उस चैनल जो बंद हो गया, उससे आपको क्या कुछ मिला अभी तक? पर मैंने 6-7 महीने काम किया था, तो 6-7 महीने में मुझे जो एक्सपीरियंस मिला था, बोलने का तरीका, ये सब मेरा बहुत कुछ सुधर चुका था, जिसके कारण से ये वाला चैनल जब ओपन किया तो यहाँ पे मुझे उससे ज़्यादा बेटर वीडियोस मैं बनाने लगा, अच्छे तरीके से समझाने लगा, तो जल्दी ग्रो हो गए। तो इसी तरह से अगर मेरा एक चैनल बंद भी हो गया तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, उससे मुझे लॉस नहीं हुआ है, बेनिफिट ही हुआ है। तो ये चीज़ जो है मिली है कम्युनिकेशन स्किल। अब अगर मनोज भाई, अगर ऐसा हो यूट्यूब चैनल आपका बंद हो जाए या किसी कारण से यूट्यूब बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे YouTube से अर्निंग ना हो, YouTube चैनल ना चले, YouTube चैनल बंद हो जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसे ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट हो चुकी है इस फील्ड की ओर से, क्योंकि अभी एक अच्छा खासा मेरा सब्सक्राइबर था, तो बहुत ऐसे ऐसे लोगों से बात होती है जो कि मतलब इम्पॉसिबल था अगर मैं यूट्यूबर नहीं बनता तो अभी ऐसे ऐसे लोगों से बात होती है। अगर मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है, यूट्यूब चैनल नहीं चलता है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अर्निंग नहीं हो रहा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैं इसी रास्ते से एक जॉब अच्छा खासा अभी ले सकता हूँ, ठीक है, यही यही फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में, इंटरनेट की फील्ड में, ठीक है, ऑनलाइन की फील्ड में एक अच्छा खासा जॉब मुझे आराम से मिल सकता है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट है जो कि यूट्यूब की तरफ से ही हुआ है, तो ये चीज़ भी यूट्यूब से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। अब दोस्त मनोज भाई, अगर यूट्यूब पे दिन भर समय ना दे करके कुछ घंटे दिया जाए, क्या यूट्यूब पे सक्सेस हो सकता है? यहाँ पे फुल डिपेंड मत हो, और आप अगर काम करते करते पढ़ते पढ़ते या फिर कुछ करते करते यूट्यूब को करो, यहाँ से आपको लॉस नहीं है, बेनिफिट ही है। अगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं भी करता, फिर भी आपको कुछ चीज़ें मिलती है जो कि अदर प्लेटफॉर्म से आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, एक बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई करते, आप कहीं पर इंटरव्यू फेस करोगे तो आप अच्छा खासा नहीं बोल पाओगे, लेकिन आप अगर यूट्यूब चैनल चलाते हो, 1 साल पर काम करोगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आप इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से दे सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें यूट्यूब की तरफ से जो कि आपको मिलता है, अगर मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करता, लेकिन ये सब चीज़ तो आपको कोई छीनेगा नहीं ना, ये सब चीज़ तो आपको मिलेगा ही। मनोज भाई, आप इतने दिन से कैमरे को फेस कर रहे हैं, अगर आपके साथ 10 आदमी आए और आपसे बात करे, तो क्या आपको भीतर से धुक 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 1000 लोग घेर के रखे और बोले कि यहाँ पे वीडियो बनाना है, और 1000 लोग अगर मुझे देखे तो फिर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ उन सबके सामने, इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। ऐसा होता भी है मेरे साथ, अभी बहुत कोई मिलने आते हैं, तो जैसे 2-4 लड़के आ गए, तो और अगर मान लीजिए इस टाइम आ गए जहाँ पर मुझे वीडियो शूट करने का टाइम है, तो उन लोगों का था चलो आप लोग बैठो साइड पे, मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेता हूँ, तो वो लोग बैठ के रहते हैं, मुझे ही देखते हैं, फिर मैं वीडियो शूट करता हूँ। कभी कभी आपको दिखता नहीं है, कैमरे के उस पीछे रहते हैं, तो ऐसा समझ में नहीं आता आप लोगों, लेकिन वो लोग देखते हैं, लेकिन मैं अपने उसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये जो है मेरा इंप्रूव हुआ है डे बाई डे, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शर्म भी नहीं आती है, अच्छा खासा मार्केट में ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो गाइज, उम्मीद करूंगा आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिली है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।